विदर्भातून अजून मान्सून परतलेला नाही. 10 ऑक्टोबर पर्यंत मान्सून विदर्भात राहण्याची सरासरी वेळ आहे. गेल्या 10 वर्षात काल 12 सप्टेंबर रोजी झालेला पाऊस हा दुसरा सर्वाधिक मोठा असा होता. सप्टेंबरमध्ये यापूर्वीही मोठा पाऊस झालेला आहे. सध्या राजस्थानवर मान्सून आहे आणि नंतर तो सरकत विदर्भाकडे येणार आहे. आगामी काळात विदर्भातल्या काही जिल्ह्यात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे अशी माहिती प्रादेशिक हवामान खात्याचे महासंचालक ML शाहू यांनी दिली आहे. अभी अगर हम पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखे तो मानसून जो है थोड़ा सा पीछे तक एक्सटेंड हुआ है. नॉर्मली अक्टूबर में भी हमें बारिश मिलती है, सेप्टेम्बर तो बारिश मिलता ही है. तो मानसून का विड्रावल जो है पीछे हो रहा है. ये क्लाइमेट चेंज के कारण ये इफेक्ट हो रहा है कि सेंट्रल इंडिया में पीछे है. लेकिन जो मानसून है नॉर्मली अगर 15 अक्टूबर तक विड्रॉल नहीं होता है तो वो उसको फिर जो है नॉर्थ जो साउथ वेस्ट मानसून है इसका विड्रॉवल डिक्लेयर करना पड़ता है. जैसे ही बारिश कम होती है उसके बाद जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून या जो उत्तर पूर्वी मानसून जो हम बोलते हैं वो मानसून काउंट होता है जो साउथ इंडिया में ज़्यादा बारिश देता है. तो वो सिचुएशन तब होती है जब 15 अक्टूबर तक हमारे यहाँ से मानसून विड्रॉ नहीं होते. तो अभी वो सिचुएशन बताया नहीं जा सकता. अभी तो यही है कि सितंबर में तो अभी अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है क्योंकि आगे भी सिस्टम्स है. तो अभी मानसून विड्रॉवल के चांसेस जल्दी तो नहीं है. अभी सर कितना एवरेज मानसून हुआ इस साल एज कम्पेयर टू बिफोर ईयर्स? अभी देखें रिकॉर्ड के हिसाब से तो पिछले सितंबर के महीने में नागपुर शहर का जो था पिछला रिकॉर्ड 1912 का था 133 मिलीमीटर, और आज जो रिकॉर्ड हुआ है पिछले 24 घंटे का वो 127.6 मिलीमीटर है. मतलब सेकंड हाईएस्ट है पिछले 10 साल में. और ओवरऑल रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है 184 मिलीमीटर का है सेप्टेम्बर के महीने में. और अगर हम विदर्भ का ओवरऑल देखें तो अभी तक हमारे यहाँ पे जो है 1300 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. बट इसका भी रिकॉर्ड जो है चेक करना है क्योंकि एग्जैक्टली अभी ये कितना रिकॉर्ड है. बट डेफिनेटली ये पिछले 10 साल में एक आध बार ही हुआ होगा क्योंकि अभी तक पूरा जो बारिश है अभी तक टोटल विदर्भ में इस साल काफ़ी ज़्यादा हुआ है. तो 10 साल में इतना बारिश एक या दो बार से ज़्यादा नहीं हो सकता. रिकॉर्ड चेक करके एग्जैक्टली इसको बता पाए. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.